अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त अकबादी। आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेट स्क्वाड और यहां पर मिलेगी आपको बहुत सी मालूमात। अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में आपके साथ एक और मेगा एयरड्रॉप लेकर आया हूँ जो कि बाइनांस Web3 वैलेट में अवेलेबल है। आप उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आपके पास जो है ना बाइनांस का जो है ना Web3 वैलेट होना चाहिए। अगर आपने इसका वैलेट नहीं बनाया, बना के प्राइवेट की वगैरह आप सेव कर लें। उसके अलावा अगर इसकी एक्सचेंज पर अकाउंट नहीं है तो वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हो, मेरे लिंक से अकाउंट बना कर मेरी टीम में आ सकते हैं। और इस एयरड्रॉप के लिए आपके पास तकरीबन कम से कम $15 का रख लें, बाकी फ़ीस कम ही लगेगी। तो बाकी जो है ना आपने क्या करना, ट्रांसफ़र कैसे करना वो आपको बता देता हूँ। ट्रांसफ़र पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है ना आपने अपनी अमाउंट जो है ना कॉइन सेलेक्ट कर लेना, कौन सा करना, मतलब कि आपने इथेरियम करना है ना तो यहाँ पर आपने इथेरियम सेलेक्ट कर लेना। तो इथेरियम सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने जो है ना अपना नेटवर्क चूज़ कर लेना है। नेटवर्क चूज़ करेंगे तो उसके बाद फिर आपने यहाँ से ये नेटवर्क चेंज करके वो आरबीटीएम में कर लेके जाना। उसके बाद फिर आपने यहाँ पर अपना नेटवर्क चूज़ करने के बाद मैक्स पर क्लिक करके आपने जो ना वो ट्रांसफ़र कर लेना। यहाँ पर आपने ये जो करना ना ट्रांसफ़र फ्राम यहाँ पर लिखा ना, ये मेरा वैलेट सेलेक्ट, आपने इसको जो है ना चेंज कर लेना। ऊपर जो है ना आपका बाइनांस सपोर्ट वैलेट आए, सपोर्ट और फंडिंग वैलेट ये आ रहा है ना, नीचे आपका आपका ये Web3 वैलेट आए। ऊपर जो है ना आपने एक्सचेंज से Web3 में लेकर आना, तो आपने एक्सचेंज वाला जो ऊपर रखना है क्योंकि मेरे वैलेट में इथेरियम नहीं है। इथेरियम होते तो यहाँ पर वो शो हो जाने थे इथेरियम और वो आ जाने थे यहाँ पर ये अब यहाँ पर आ रहा है। पर यहाँ पर वैसे बता दें नेटवर्क यहाँ पर ये नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इथेरियम पहले ही ट्रांसफ़र किए हैं। तो आप मैंने पहले वीडियो बनाई है कि इथेरियम कैसे ट्रांसफ़र किए हैं, इससे पहले वाला एयरड्रॉप तो उसमें मैंने लाइव करके दिखाए हैं। इसमें मेरे पहले ही पड़े हुए हैं इथेरियम, तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर आपने पहले एयरड्रॉप ज्वाइन किया होगा ना Okx लिंक वाली जो मैंने वीडियो बनाई है तो वो आप देख लें, तो वो भी ज्वाइन कर लें, वो भी एक अच्छा एयरड्रॉप है। अब दूसरा जो एयरड्रॉप का है वो Zklink नोवा है। आपने इसको ज्वाइन कैसे करना, आपने ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर ज्वाइन नाउ पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना ये इसका एयरड्रॉप ओपन हो जाएगा। आपने इसमें जहाँ करना है कि क्लेम ये जो है ना ज्वाइन कंपेन पर आपने क्लिक करना है। तो ऐसे जो ना आप इनकी कंपेन ज्वाइन कर लेंगे और इनका जो एक्टिविटी एंड होनी है ना ये एयरड्रॉप की 22 मई को होनी है। तो ये आप देख सकते हैं 1 मिलियन Zkl जो है ना Zklink जो नोवा टोकन का एयरड्रॉप है, तो वो अच्छा खासा एयरड्रॉप कर रहे हैं। अब स्टार्ट मिशन पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे ले आएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट टास्क हैं, तकरीबन 5 टास्क हैं, वो सारे कैसे करने हैं इसमें आपको बता देता हूँ। पहला टास्क है, उन्होंने कहा कि आप नोवा डिपॉजिट टास्क जो है ना नोवा में जो आपने डिपॉजिट करना है कोई भी अमाउंट है नहीं, इथेरियम भी कर सकते हैं, USDT भी कर सकते हैं, USDC भी कर सकते हैं, जो रैप BTC है वो भी कर सकते हैं और रैप इथेरियम जो ना वो भी कर सकते हैं। आपने ऐसे क्या करना है, डिपॉजिट पर क्लिक कर दें। हमारे पास दूसरे इथेरियम है जो मेन नेट वाले RBT वाले के, बल्कि वो वाले हमने जो है ना इसमें डिपॉजिट करने हैं। उससे पहले जो है ना आपने यहाँ पर जैसे ही इसको ओपन करेंगे यहाँ पर आपने अपना वैलेट कनेक्ट कर लेना था। तो ये लोडिंग कम्प्लीट होने दें, नोवा ओपन हो गया वेबसाइट और यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको कनेक्ट वैलेट करना है। कनेक्ट वैलेट पर क्लिक करके आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है बाइनांस Web3 वैलेट जो पे पहले नंबर पर आ रहा है आपके, जिस नंबर पर आए आपने यही जो है ना करना, आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके प्रोसीड कर देना और आपका जो है ना वैलेट जो है ना यहाँ पर ये भी कर देना चेंज मेन नेट, तो उन्होंने कहा कि इथेरियम में कर दें, तो आपने ये इथेरियम में करके आपने यहाँ पर कंटिन्यू पर बाद में करना। सबसे पहले जो है ना आपने इथेरियम डिपॉजिट करने, अब आपने इथेरियम कितने डिपॉजिट करने, यहाँ पर आपने लिखनी अमाउंट 0.003 अमाउंट आपने, अब आई थिंक ये इतनी अमाउंट नहीं है मेरे पास, तो मैं देखता हूँ कितनी मेरे पास अमाउंट है। आपने उतनी अमाउंट यहाँ पर डिपॉजिट करनी है। तो ये इनसफिशिएंट इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं इथेरियम जो है ना मेन नेट मैंने चूज़ किया है, बल्कि हमारे पास जो इथेरियम जो है ना वो RBTM मेन नेट वाले हैं। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर ये अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा जी, बल्कि ये कनेक्ट वैलेट दोबारा पर क्लिक करके यहाँ पर कर लेना क्योंकि अभी हमने जो है ना इसके मेन नेट जो है ना वो RBTM में किया। और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 0.003 और ये लगभग $8 के बन रहे हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं 4 कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पड़े हैं, आप ऐसे करें 0.04 कर लें क्योंकि इथेरियम की प्राइस नीचे है। ये वैसे मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें 0.03 ही किए थे, तो उसके वो जो टास्क वगैरह हो गए तो मैं 4 कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास पड़े हुए हैं इथेरियम। और चेंज वैलेट अभी RBTM में नहीं करना और इसको हम जो है ना कर लेते हैं डिपॉजिट। यहाँ से RBTM मेननेट करेंगे तो आपने नीचे भी चेंज वैलेट टू RBTM मेननेट पर आपने क्लिक कर देना, तो आप कैसे जो है ना मेननेट पे चला जाएगा और यहाँ पर आपने अपनी इथेरियम की जो है ना अमाउंट यहाँ पर
पुट कर देनी है जितनी मैंने आपको कही है, वो आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपने डिपॉजिट नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर एस्टिमेट टाइम जो है ना वो 3 मिनट का कह रहा है, तो आपने वेट फॉर कंफर्मेशन पर वेट करना है। मतलब कि कंफर्मेशन होगी ना तो फिर आपके पास एक नया नोटिफिकेशन आ जाएगा, जैसे ये मेरे पास आ गया। तकरीबन यहाँ पर इथेरियम की जो है ना नेटवर्क फ़ीस कम लग रही है, और कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपने जो अगर प्राइवेट की वगैरह जो भी है, पासवर्ड वगैरह या पास की लगाई है, तो आपने वो लगा के अपना कंटिन्यू कर देना। तो ऐसे जो ना यहाँ से आपका ये वाला टास्क जो है ना, पहला जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, और आपके जो इथेरियम आर्बिटियम नेट वाले हैं ना वो आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे जी के लिंक में, जो आपके यहाँ पर जिसके लिए आप एयरड्रॉप ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आपको एस्टिमेट टाइम जो लग जाएगा ना 2 मिनट लग जाएंगे, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, जैसे आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी आपने जो है ना ऊपर क्रॉस पर यहाँ पर क्लिक कर देना और वापस आ जाना, क्योंकि हमने जो डिपॉजिट जो है ना वो कर ली है। और वेरीफाई टास्क पर हम क्लिक करेंगे ना तो हमारा ये टास्क वेरीफाई हो जाएगा। अब हमारा एक टास्क हो गया। उसके बाद जो ना आपने कौन सा टास्क करना, आपने जो है ना लास्ट वाला जो टास्क है ना वो सबसे पहले करना, क्योंकि उसमें जो है ना $5 की वर्थ के जो है ना वो हमने इथेरियम जो है ना इसमें स्वैप करने हैं। तो इसलिए ये टास्क पहले करवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है ना एक तो ये भी टास्क हो जाएगा, और इसमें जो है ना एक और टास्क के लिए जो है ना आपके वो USDC इसी टास्क के अंदर ही हो जाएंगे, तो आपने ऐसे ही रहने देना। तो यहाँ पर आपने जो है ना अपने इथेरियम को स्वैप करना, कम से कम आपके पास जो है ना $5 के इथेरियम होने चाहिए उन्होंने कहा। तो यहाँ पर आपने जो है ना देख लेना कि $5 के जब इथेरियम हो ना तो आपने वहाँ पर लिख लेना। तो जैसे कि मैंने ये $5 के जो है ना इथेरियम मेरे बनने हैं $5 से ऊपर ही, तो आपने जो है ना इसको जो करना है स्वैप कर लेना है इसके अंदर अपने USDC में। पर आएंगे ना आपने ये 3 लाइन पर जाना है, तो आपने जो है ना यहाँ पर ये स्वैप वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर स्वैप वाला करेंगे फिर आपका ये आपका बैलेंस भी शो हो जाएगा, और आपका इजीली यहाँ से स्वैप भी हो जाएगा, और यहाँ पर स्वैप वाला जो ना वो हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने 0.02 जो है ना वो स्वैप करने लगा हूँ, जो 5 या कुछ जो है ना वो USDC बन रहे हैं। तो स्वैप पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर स्वैप पर फिर मैं अगेन क्लिक कर देता हूँ, हमारे 5 या कुछ जो है ना USDC बन जाएंगे। स्वैपिंग के बाद कन्फर्मेशन होगी, हमारा जो है ना इथेरियम USDC में जो है ना स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर इथेरियम की काफ़ी फ़ीस लग रही है आप देख सकते हैं, तो कन्फर्म कर देते हैं, उसके बाद वेरीफाई कर लेते हैं। तो पास की लगा के मैंने वेरीफाई कर दिया, उस स्वैप जो है ना वो मेरा सक्सेसफुल हो गया। उसके बाद आपने इसको क्रॉस पर क्लिक करना है, उसके बाद आपने इस पर ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपके पास जो है ना USDC शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने $5 के जो है ना वो USDC जो 5 शहरिया जो है ना आप 5 कर लें, और बाकी जो है ना आपने USDC स्वैप के लिए जो है ना वो रख लेने हैं। बाकी जो टास्क वगैरह होंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो 5.5 जो है ना $5.5 मैं कर रहा हूँ, बाकी जो है ना 22 सेंट मैं आगे फीस के लिए रखूँगा, जो मैंने एक और टास्क करना उसके लिए। तो इसलिए आपने ना अगर अगेन दोबारा इथेरियम USDC को जो है ना इथेरियम में स्वैप करना, तो सारी अमाउंट नहीं करनी, कुछ अमाउंट जो ना वो आपने रख लेनी है वो दूसरा टास्क करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पर आपने पास की वगैरह लगा के वेरीफाई कर देना है। स्वैप हो गए हैं हमारे जो USDC है ना वो इथेरियम में दोबारा आ गए हैं, और हमारा ये टास्क ये भी कंप्लीट हो जाएगा। वेरीफाई टास्क पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये टास्क वेरीफाई हो जाएगा। तो ऐसे जो है ना आपका ये डिपॉजिट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो थोड़ी देर बाद आपने रिफ्रेश करना, तो यहाँ पर मैं वेरीफाई पर टास्क पर क्लिक किया, तो मेरे जो है ना वेरीफाई हो गया, और 2 टास्क जो है ना वो कंप्लीट हो गए। यहाँ पर ये देख लें लास्ट वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है ना आपने फिर जो है ना आपने फिर सेंड टास्क पर करना, यहाँ पर लिखा कि आपने सप्लाई जो एनी अमाउंट जो है ना आपने USDC स्टोन और बाकी और कोई टोकन है उस पर आपने जो है ना एनी अमाउंट जो है ना लिक्विडिटी पूल के लिए आपने जो है ना वो डिपॉजिट करनी है। सप्लाई नाउ पर आपने क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपने जाकर फिर सबसे पहले वैलेट कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने वैलेट कनेक्ट कर लेना है। वैलेट कनेक्ट वैलेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने बाइनांस Web3 वैलेट जो है ना आपने वो एग्री करके जो है ना बाइनांस Web3 कर लेना है, तो आपका जो है ना बाइनांस Web3 वैलेट कनेक्ट हो जाएगा। ऊपर देख सकते हैं कि मेरा वैलेट जो है ना वो कनेक्ट हो गया है, और आपने नीचे स्क्रॉल करना है, हमारे पास जो है ना USDC जो हमने स्वैप किए थे इथेरियम से USDC, फिर USDC को जो ना इथेरियम में स्वैप किया था वो पड़े हुए हैं। आप सप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी बैलेंस पड़ा हुआ है, अभी मैंने स्वैप किया तो फिर भी आई थिंक वो स्वैप नहीं हुआ, मैं दोबारा कर लूँगा। आपने जो है ना वो दोबारा इथेरियम में कर लेना। अब इसमें जो है ना आपने
अमाउंट जो डिपॉजिट करनी है ना USDC की, तो आपने 0.01 करनी है, गिव अलाउंस कर देना आपने, तो यहाँ से परमिशन होगी और आपकी ट्रांजैक्शन यहाँ से कंप्लीट होगी। जहाँ पर अप्रूवल आएगा, तो यहाँ से आपने अप्रूवल से जो है ना अपना अप्रूवल दे देनी है और आपका ये USDC जो है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर ये देख लें, इसमें नेटवर्क फ़ीस काफ़ी लग रही है एथेरियम की, तो ये देख लें। तो इसके लिए इसलिए कह रहा था ताकि आपने जो है ना तकरीबन 10 से 15 डॉलर आपने जो है ना इसमें रख लेने हैं करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा जो है ना हम दोबारा जीके नोवो पर जाते हैं और फिर अगेन वेरीफाई टास्क पर क्लिक करेंगे ना, तो हमारा ये भी टास्क जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो हमने डिपॉजिट किया ना वो डिपॉजिट कंप्लीट हो चुका है। आप यहां से अप्रूवल दे देंगे, उसके बाद फिर आपने डिपॉजिट USDT पर क्लिक करके दोबारा फिर आपने जो है ना अप्रूवल देनी है। पहले मैं 1 सेंट कर रहा था, 5 सेंट पर कर रहा हूं दोबारा, तो आप 1 सेंट ही कर सकते हैं क्योंकि मेरा वो हो नहीं रहा था, तो मैंने इसलिए 5 सेंट कर लिए। तो आपने जो है ना ऐसे अप्रूवल दे देनी है, तो ऐसे जो है ना फिर आपका जो है ना अगेन डिपॉजिट होगा। यहाँ पर 2 दफ़ा डिपॉजिट करेंगे ना फिर आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल होगा। पहले आपने जो है ना 1 दफ़ा सप्लाई पर जाना है ना, तो यहाँ पर आपने 0.01 जो है ना आपने अमाउंट लिख लेनी है, 0.01। फिर आपने गिव अलाउंस देना ना, ये पहले अलाउंस होगा, अलाउंस होने का फिर दोबारा यहाँ पर डिपॉजिट वाला ऑप्शन आएगा, वो भी देना है। 2 दफ़ा आपकी फ़ीस कट होगी। तो ऐसे जो है ना मैंने भी 1 दफ़ा पहले कर लिया, उसके बाद फिर बैग चला गया और दोबारा फिर किया, तो ऐसे जो है ना मेरी ऐसे फ़ीस ज़्यादा कट हुई। आपने जो है ना पहले जो करना है ना, आपको बता रहा हूँ, सप्लाई पर जाना है, डिपॉजिट आपने यहाँ पर करके ना जो मनी अमाउंट जो मैंने बताई है आप उन्हें उतने ही कर सकते हैं। उसके बाद गिव अलाउंस यहाँ पर आ रहा है ना, फिर आपके वो फ़ीस कटेगी। उसके बाद फिर यहाँ पर आएगा डिपॉजिट वाला ऑप्शन आएगा, जैसे मेरे आया तो वैसे आया, तो मेरा फिर ये टास्क वेरीफाई टास्क पर क्लिक करूँगा तो ये वेरीफाई हो गया। ऐसे जो ना आपका ये टास्क हो जाएगा, अगर आप बार बार ऐसे बैक आके करेंगे ना तो फिर आपकी फ़ीस ज़्यादा कटेगी, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रख लेना। मेरी चलो कट गई, आपकी ना कटनी चाहिए, इसलिए जो ना तीसरा टास्क वो आपको मैं बता देता हूँ। तो ये कैसे करना है, पर लिखा हुआ है कि डिपॉजिट एनी अमाउंट एथेरियम टू लियर बैंक VIA ZK लिंक नोवा। तो यहाँ पर एनी अमाउंट जो है ना आपने एथेरियम की इसमें डिपॉजिट करनी है, तो जैसे इसको ओपन करेंगे तो आपने इसमें भी वैलेट कनेक्ट करना है। सबसे पहले ये लेयर बैंक वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने जो है ना 3 लाइन पर क्लिक करके अपना वैलेट जो है ना आपने सबसे पहले कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर नीचे आ रहा है कनेक्ट वैलेट पर आपने क्लिक करना है और बाइनांस Web3 वैलेट सेलेक्ट करना है ना, और आपका ऐसे जो है ना बाइनांस Web3 वैलेट कनेक्ट हो जाएगा सक्सेसफुली लेयर बैंक के साथ। तो यहाँ पर आपने जो है ना एथेरियम की जो है ना अमाउंट डिपॉजिट करनी है, एनी अमाउंट आपने नीचे से स्क्रॉल करना, हमारे पास जो है ना एथेरियम पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपने देखना एथेरियम, यहाँ पर एथेरियम आपने सप्लाई एंड बोरो पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अमाउंट सेलेक्ट करना है वो आपने चूज़ कर लेना है, 0.401 आपने यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद आपने यहाँ पर लूपिंग आई थिंक नहीं करना, आपने जो ना ओनली जो ना वो सप्लाई पर आपने क्लिक करना है। सप्लाई पर आप क्लिक करेंगे जहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन होगी, तो आपका जो ना फीस वगैरह कटेगी, तो आपने वो जो ना अप्रूव कर देनी है। और यहाँ पर ये देख लें फीस यहाँ पर भी अच्छी खासी लग रही है, तकरीबन 1.5-2 डॉलर कह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं 2 डॉलर से ज़्यादा ही लग रही है। और यहाँ पर आपने पास की वगैरह वेरीफाई करने के बाद आपने ट्रांजेक्शन अप्रूव कर देनी है। तो ऐसे पास की आपने ऐड कर ली, अपने पास की मोबाइल की होती है वो आप ऐड कर लें, इससे ये होगा कि आपको बार बार पार्सल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पर ये भी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो गई है और यहाँ पर ये भी टास्क हो गया। उसके बाद इसको क्रॉस पर क्लिक करेंगे और बाइनांस पे जो टास्क वाला ना यहाँ पर वेरीफाई टास्क स्टेटस पर क्लिक करूँगा, तो ये भी टास्क जो है ना वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ZKDX लिक्विडिटी स्टेक करना है, उन्होंने कहा कि स्टेक एनी अमाउंट ऑफ एथेरियम USDC इनटू अ लिक्विडिटी पूल ऑफ ZKDX Zklink नोवा। तो यहाँ पर आपने एनी अमाउंट जो है ना वो एथेरियम या फिर USDC आपने डिपॉजिट करनी है, तो यहाँ पर स्टेक नो पर आपने क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट जो वेबसाइट आएगी फिर उसके साथ कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले आपने जो है ना वैलेट कनेक्ट करना है, तो वैलेट कनेक्ट करना है Web3 बाइनांस Web3 आपने वैलेट चूज़ कर लें और आपका जो है ना वैलेट सक्सेसफुली जो है ना वो बाइंड हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर USDC जो है ना इथेरियम और USDC दोनों लगा सकते हैं, मतलब कि स्टेक करना है ना हमने एनी अमाउंट। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.01 अमाउंट USDC में। तो यहाँ पर भी बता दूँ इसमें भी यहाँ पर 2 दफ़ा अप्रूवल देनी है, एक तो अप्रूव USDC करना, उसके बाद आपने फिर डिपॉजिट पर क्लिक करना है, मतलब पहले मैं अप्रूव करूँगा, यहाँ पर अप्रूव आएगा और यहाँ पर ये
ट्रांजेक्शन होगी और इसमें भी ट्रांजेक्शन में एथेरियम में जो है ना वो फीस लगे, क्योंकि यहाँ पर एथेरियम में सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर एथेरियम में फीस लग रही है और यहाँ पर अप्रूव कर देना, ये पहले अप्रूव हो रहा है। अप्रूव होने के बाद फिर अगेन जो है ना आपने वहाँ पर डिपॉजिट करना है, यहाँ पर आपने पास की ऐड कर देनी है। पास की जैसी ऐड होगी यहाँ पर उसी थोड़ी देर बाद जो है ना कन्फर्मेशन कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर वेटिंग फॉर अप्रूवल आ रहा है ना, तो यहाँ पर आपने वेटिंग फॉर अप्रूवल करना है। वहाँ पर अप्रूवल सबमिट हो गया सक्सेसफुली, तो यहाँ पर अप्रूवल हो गया। अप्रूवल के बाद अब आपने डिपॉजिट अब करना है। यहाँ पर डिपॉजिट जो है ना, यहाँ पर अमाउंट आप अपने ऊपर मेरे ख्याल मैंने लिखी नहीं है, तो वहाँ पर आपने अप्रूवल यहाँ पर जाना अमाउंट यहाँ पर आपने लिख देनी है। तो यहाँ पर अमाउंट मैंने ख्याल लिखी हुई है अमाउंट, तो आपने डिपॉजिट USDC पर दोबारा क्लिक करके तो यहाँ पर आपने जो है ना फिर अप्रूवल दे देनी है। और आपकी जो है ना ट्रांजेक्शन फ़ीस जो है ना इसमें कम ही लग रही है तो आपने कन्फर्म कर देना। ऐसे जो है ना यहाँ से आपने ये भी टास्क जो है ना पास की ऐड करके अपना पासवर्ड वगैरह लगा के ऐसे ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ से आपका ये जो डिपॉजिट है ना वो सबमिटेड हो गया और यहाँ पर डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया। ऐसे जो है ना आपका ये भी टास्क कंप्लीट हो गया। और अब जैसे ही आप वापस आएंगे ना और वेरीफाई टास्क पर क्लिक करेंगे तो आपका ये भी टास्क जो है ना वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी ये रिफ्रेश होने दें, थोड़ी देर बाद तो ये भी टास्क हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी देर बाद जो किया ना वेरीफाई टास्क, तो यहाँ पर ये मेरे सारे टास्क जो है ना वेरीफाई हो गए। आपने जो भी ट्रांजेक्शन करनी है उसमें जो ना टाइम लगता है, उसके बाद मैं उसी टाइम कर रहा था ना वेरीफाई टास्क तो वो नहीं हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गए हैं, तो ये सारे टास्क जो है ना वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब ये सारे टास्क कंप्लीट होंगे, आपको पीछे हो ना कि कितनी फ़ीस लगी है तो आप देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन $15 थे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ कि $14 थे। अब देखते हैं कितने एथेरियम रह गए मेरे। अरे USDC तो मैं स्वैप किए थे पर वो हुए नहीं थे, वो वैसे ही पड़े हैं $0.5 के। और यहाँ $0.5 करने थे, वैसे उससे ज़्यादा हो गए हैं, बाकी वो फीस वगैरह लग गई है। और देख सकते हैं मेरे पास तकरीबन 15 से 15.5 डॉलर थे, तो ये फ़ीस लगी है तकरीबन $3 या कह लें $4 कह लें यार फीस लगी है इथेरियम में। तो आपके पास जो है ना इतनी इथेरियम होना चाहिए, वो है ना डिपॉजिट मिनिमम 5 USDT करने होते हैं, इसलिए जो ना मैंने आपसे कहा था कि आप 10 से 15 डॉलर रखें, क्योंकि इथेरियम के कम 5 डॉलर होना चाहिए। तो फिर जो ना अगर छोटी भी ट्रांजेक्शन होना तो उसके लिए $5 होना चाहिए इथेरियम में, फिर वो अमाउंट कम ही कट होती है। अगर आपने ये टास्क वगैरह ये एयरड्रॉप करना है ना, तो आप ऐसे कर लेंगे अभी ये वीडियो स्टूडियो देख लें, तो उसके बाद जो आपने इसको ज्वाइन करना है तो आप सुबह टाइम करें, फजर की नमाज के बाद आप करें, उस टाइम जो ना इथेरियम की जो ना फीस कम लग रही है, जैसे भी मेरी $2-3 लगी है तो आपकी जो ना उससे भी कम फीस लगेगी। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आप नहीं उस टाइम उठ सकते तो आप किसी टाइम भी जो ना इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी फीस बहुत कम लग रही है, इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, जो इथेरियम की तो बहुत फीस होती है। तो अगर आपने इसको एयरड्रॉप को ज्वाइन ही ना किया तो ज्वाइन कर लें। तो अब आप पूछेंगे इसमें से कितना प्रॉफिट होगा, तो इसमें से तकरीबन एस्टीमेट लगा लें कि $30 से $50 आप इसमें से ना इजीली प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आपने इसको मिस नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।